everyone, I am Ruchi Thakur, your English mentor, and you are watching channel Jhatpat English. Today I am going to explain you formal reply of accepting invitation, that is question number 3 in your RBSC 12th board examination. I am reading question number 3 for you. Here is the question. You are Arun Aruna. You have been invited to attend the wedding of your friend's sister during summer vacation. Respond or reply भी कहते हैं इसको to the invitation, accepting it formally. ये देख लीजिए आप. तो ये question आपको पता चल ही गया है कि आप अरुण या अरुणा हैं. आपको आपकी friend की sister की मैरिज में इनवाइट किया गया है ड्यूरिंग समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों के दौरान, और आप रिप्लाई दे रहे हैं इनविटेशन का एक्सेप्टिंग, स्वीकार करते हुए इट फॉर्मली, फॉर्मल रिप्लाई देना है आपको. तो हियर इज द आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ बॉक्स. आपको बॉक्स बनाना है, डोंट क्लोज फ्रॉम बिलो, उसको नीचे से बंद नहीं करना है. अब आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है. तो आप कौन हैं? यू आर अरुण और अरुणा. तो मिस्टर अरुण या फिर मिस अरुणा. सरनेम लगाना चाहें तो लगाइए, या गुजर लगाया हुआ है लगाना चाहें तो लगाइए, नहीं तो नहीं लगाइए. तो ये है इन थर्ड पर्सन. द नेम ऑफ योर्स इज इन थर्ड पर्सन है. आई नहीं आया यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन नहीं आया है, ठीक है ना, थर्ड पर्सन आया है. एंड थैंक्स मिस्टर वरुण कुमार. आपके फ्रेंड का नाम क्या है? मिस्टर वरुण कुमार गुर्जर. तो ये भी थर्ड पर्सन है, ठीक है ना. यू नहीं आया, सेकंड पर्सन नहीं आया है, थर्ड पर्सन आया है. फॉर हिज काइंड इनविटेशन फॉर द मैरिज. अब आपको याद क्या करना है? कीप इन माइंड दैट आप का नाम के बाद में थैंक्स, फिर जिसने इनविटेशन भेजा है उसके नाम के बाद में फॉर हिज काइंड इनविटेशन, ये आपको याद करना है. देन फॉर द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर ऑन वेंसडे. मैरिज कब है वो लिखेंगे, डेट लिखेंगे, 11th जून 2020 लिखना या फिर 2021 आएगा, है ना, एट 6 PM 6 बजे एंड ऑनवर्ड्स. और वेन्यू कहाँ है, यानी कि कहाँ हो रही है शादी? माता गौरी मैरिज गार्डन झालावाड़. ये आपका पूरा का पूरा वो हो गया. इट इज़ टू इजी टू गेट 4 up to 4 marks. 4 में से 4 marks लाने के लिए बहुत इजी है ये. एंड क्लोजिंग फ्रेज इज ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन एंड क्लोज द बॉक्स. नाउ इज द अनदर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 4. यू आर अक्षय मित्तल और आकृति मित्तल. आपका नाम अक्षय मित्तल है या आकृति मित्तल है. यू हैव बीन इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन अ सेमिनार ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन. ये सेमिनार का सब्जेक्ट है. ऑर्गेनाइज बाय द लायंस क्लब ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट. किसने ऑर्गेनाइज किया सेमिनार? लायंस क्लब आपके डिस्ट्रिक्ट के, आपके जिले के. रेस्पॉन्ड यानी रिप्लाई देना है टू द इन्विटेशन. इन्विटेशन का रिप्लाई है एक्सेप्टिंग, स्वीकार करते हुए. इट फॉर्मली, फॉर्मली यानी बॉक्स बनेगा और थर्ड पर्सन से शुरू होगा. तो यू हैव टू स्टार्ट योर आंसर विद थर्ड पर्सन. तो आपका नाम इसमें क्या है? सबसे पहले आपका नाम आएगा मिस्टर अक्षय मित्तल या फिर मिस आकृति मित्तल. तो आप अक्षय मित्तल लिखिए या फिर आकृति मित्तल लिखिए. हैज मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग. इसको इस तरह से भी लिखा जाता है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में थैंक्स बोला था, इसमें आपने मच प्लेजर. तो डोंट कन्फ्यूज, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना. आप यू वॉन्ट, यू वुड लाइक टू राइट एनी वन ऑफ दिस, है ना. तो आपको आकृति मित्तल हैज़ मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इनविटेशन ऑफ सेक्रेटरी लायंस क्लब सिरोही टू पार्टिसिपेट इन सेमिनार. आप इसको क्वेश्चन में से ही ले लीजिए. ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन ऑन फ्राइडे. अब सेमिनार कब है ये देख लीजिए. 16 जनवरी 2020 लगाना या फिर 21. और सेमिनार का क्या टाइम है? तो टाइम के लिए ऑलवेज 8 लगता है, एट 11 AM एंड ऑनवर्ड्स. और वेन्यू क्या है? एट बिरला ऑडिटोरियम सिरोही. सिरोही जिले का नाम है. और आपको क्लोजिंग फ्रेज लिखना है ही और शी थैंक्स फॉर इनविटेशन. ही और शी यहाँ किसके लिए आया है? ही और शी यहाँ पर आपके लिए, खुद के लिए ही आया है, यानी कि अक्षय मित्तल या आकृति मित्तल के लिए ही आया है. आप थैंक्स कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन में आएगा. पहले ही आपका बात हो चुकी है कि थर्ड पर्सन में ही होता है फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई. थैंक्स फॉर इनविटेशन एंड क्लोज द बॉक्स. आप बॉक्स को क्लोज कर दीजिए. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 of 4 marks. आप यू कैन गेट 4 up to 4 marks वेरी इजीली.